नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री देशमुख के घर पहुंचकर मंत्री कौरे ने बिटिया को आशीर्वाद दिया। मंत्री कौरे के साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, सत्यनारायण अग्रवाल भी मौजूद रहे। धर्मशिखर का कायदी बनिया टोला में हुआ कार्तिक पूर्णिमा विश्व शांति महोत्सव। घंटे द्वारा स्थापित की गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा। बालाघाट जिले के तिरोड़ी खवासा मुख्य मार्ग पर नहर पुलिया क्षतिग्रस्त। कभी भी घट सकती है कोई बड़ी घटना। देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के कटंगी वार्ड नंबर 3 तुमसर रोड निवासी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता प्रकाश देशमुख के निवास पर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री आयुष विभाग राम किशोर नानोकारे बीती रात 8-9 बजे अल्प समय के लिए आगमन हुआ। एक दिन पूर्व ही प्रकाश देशमुख की बिटिया का विवाह संपन्न हुआ था। श्री देशमुख के घर पहुंचकर मंत्री कौरे ने बिटिया को आशीर्वाद दिया और वहां से जिला सिवनी के लिए प्रस्थान कर गए, जहां पर उन्हें बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सी बिसेन के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होना था। मंत्री कौरे के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, सत्यनारायण अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री कौरे के कटंगी पहुंचने पर प्रकाश देशमुख, पूर्व पार्षद पारुल देशमुख एवं उनके रिश्तेदारों ने श्री कौरे का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर कटंगी भाजपा मंडल के अध्यक्ष मुकेश रहांगडाले, मंडल महामंत्री मुकेश चौक से मंडल उपाध्यक्ष आलोक खंडेलवाल के द्वारा मंत्री कौरे का स्वागत किया गया। धम्मशिखर का कायदी बनिया टोला में हुआ कार्तिक पूर्णिमा विश्व शांति महोत्सव। भंते द्वारा स्थापित की गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा। बालाघाट जिले के धम्मशिखर कायदी बनिया टोला में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बौद्ध उपासकों उपासिकाओं की उपस्थिति में कार्तिक पूर्णिमा विश्व शांति महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में भंते धम्मानंद महाबोधि नैनपुर पूज्य, भंते महाकश्यप, पूज्य भंते नागसेन की गरिमामय उपस्थिति में एक सैकड़ों उपासकों उपासिकाओं की उपस्थिति में पूज्य भंतों द्वारा ऊपर पहाड़ी पर स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित कर पुष्पमालाओं से बुद्ध प्रतिमा का स्वागत सत्कार किया गया। इसके पश्चात बिच्छू निवास में भी थाईलैंड से दान स्वरूप प्राप्त भाव बुद्ध प्रतिमा का भंते द्वारा स्थापित कर नीचे प्रतिमा के समक्ष पुष्पमालाओं से सजाकर प्रतिमा के सामने सामूहिक पूजा वंदना की गई। बालाघाट जिले के तिरोड़ी खवासा मुख्य मार्ग पर नहर पुलिया क्षतिग्रस्त। कभी भी घट सकती है कोई बड़ी घटना। बालाघाट जिले के तिरोड़ी तहसील अंतर्गत तिरोड़ी में खवासा नागपुर मुख्य मार्ग पर सीता पठोर ग्राम के पास नहर का मुख्य पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। लोहे की सरिया बाहर निकल आई। इसी प्रकार इस मुख्य मार्ग पर कोयलारी का पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ज्ञात हो कि विगत कुछ माह से नागपुर से कुरई मार्ग बंद हो जाने के कारण तिरोड़ी खवासा मार्ग पर भारी वाहनों का आना जाना लगा हुआ है, जिसके कारण मार्ग के कई पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है।